तो जैसे कि दोस्तों आज है फ्राइडे और आज हम लोग को एक और एमरजेंट की ग्लोबल बीटा रोम की अपडेट देखने को मिल गई जिसका वर्जन है 8.12.27। और दोस्तों ये अपडेट के बाद से हम लोग को अब अगली अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग को ये अपडेट देखने के बाद अब अगली अपडेट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों जैसा कि रेडमी नोट 5 के लिए इस बार भी अपडेट जो नहीं आई है, तो उसके लिए दोस्तों एक जेन्युइन रीजन निकल के आई है। मैं आप लोगों को इसके बारे में भी आगे की वीडियो में बताऊंगा कि रेडमी नोट 5 में क्यों हम लोग अपडेट देखने को नहीं मिल रही है और दोस्तों कैसे हम लोग अपने रेडमी नोट 5 को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे अपडेट करेंगे दोस्तों, आगे की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दे आप उससे पहले। लेकिन दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। यार आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, व्यूज काफी कम आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियोस में हम लोग को व्यूज आए और दोस्तों हमारा चैनल जो है ऐसे ग्रो करता रहे। दोस्तों आप लोग थंबनेल में और टाइटल को देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग को जो है तो ग्लोबल बीटा के रूम में दोस्तों हम लोग को जो है अपडेट देखने को नहीं मिलेगी 8.12.27 के बाद। तो क्यों दोस्तों हम लोग को अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, तो उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ। क्योंकि दोस्तों हम लोग के इस साल में ये ग्लोबल बीटा रोम की लास्ट अपडेट है, इसके बाद से दोस्तों हम लोग को ग्लोबल बीटा में कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि हम लोग को अब अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रेडमी नोट 5 के लिए जो अपडेट सस्पेंड हुई है, तो मेरा आप लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग रेडमी नोट 5 के यूजर्स है तो प्लीज आप लोग अपना बूट लोडर को अनलॉक कर ले। अनलॉक करने के बाद दोस्तों बहुत से कस्टम रोम अवेलेबल है, उसमें हम लोग काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाती है। बैटरी के परफॉर्मेंस दोस्तों हम लोग अच्छी देखने को मिल जाती है। जैसे या फिर आप लोग शॉमी के यूजर्स है तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने डिवाइस के बूट लोडर को हमेशा अनलॉक करें। क्योंकि दोस्तों बूट लोडर को अनलॉक करने से हम लोग की जो वारंटी है वर्ड नहीं होती है। दोस्तों मैं आज ही सर्विस सेंटर विजिट करके आया था मेरे रेडमी नोट 5 प्रो में जो है कहता, और दोस्तों उसमें जो मेरा मेरी जो डिवाइस है उसमें फास्ट बूट रोम भी काम नहीं कर रही, तो मैं फास्ट बूट रोम से भी अपने रेडमी नोट 5 प्रो को फ्लैश नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों मेरे डिवाइस की जो बूट लोडर थी वो अनलॉक थी, तो मैंने सर्विस सेंटर आज विजिट किया और मेरा जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन जो मुझे मिल गई वो, और बूट लोडर अनलॉक होने की वजह से दोस्तों मेरा वारंटी भी वर्ड नहीं हुआ। तो दोस्तों ये अब मैं आप लोगों को साफ रीजन दे रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने पोको एफोन को भी अपने सर्विस सेंटर में जमा किया था और दोस्तों मेरा पोको एफोन में तो मैंने कस्टम रिकवरी होने के साथ साथ मैंने फोन को सबमिट किया था, उसके बाद में दोस्तों मुझे फोन जो है अंडर वारंटी मुझे ट्रीट किया गया पोको एफोन के लिए। तो ये शाओमी की तरफ से दोस्तों ये ऑफिशियल न्यूज है कि बूट लोडर अनलॉक करने से हम लोग की कोई वारंटी खत्म नहीं होती, वर्ड नहीं होती है। तो आप लोग अंडर वारंटी में है या फिर आउट ऑफ वारंटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बूट लोडर अनलॉक कर ले, उसके बाद दोस्तों आप लोग अपने फोन में अलग अलग तरह की रोम को फ्लैश करते रहना। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रेडमी नोट 5 को हम लोगों को अपडेट देखने को क्यों नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही रीजन है सामने आती है, नोट 5 के डेवलपर है दोस्तों वो लोग लंबी छुट्टी पे गए हुए हैं, तो उन लोगों का काम करने का मन नहीं कर रहा। और दोस्तों शाओमी कि जो डेवलपर्स में दोस्तों रिक्रूटमेंट चल रही है, तो अगर आप लोग रेडमी नोट 5 के रोम बना सकते हैं तो आप लोग डायरेक्टली शाओमी वाले से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शाओमी के एमआई कम्युनिटी पर जाएं या एमआई वाई फॉरम पर जाएं और दोस्तों आप अपना वहां पर नाम अपना मेंशन कर दें कि आप लोग जो है रेडमी नोट 5 के लिए रोम जो है बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि शाओमी वाले आप लोगों को रिक्रूट कर लेंगे नोट 5 के रोम को डेवलप करने के लिए। दोस्तों मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों ये हद हो गई है कि हम लोगों को डिवाइस में रेडमी नोट 5 की डिवाइस में अपडेट देखने को मिल ही नहीं रही। हालांकि दोस्तों चाइना में हम लोग को अपडेट हमेशा देखने को मिल रही है, इस वीक भी दोस्तों हम लोग को जो चाइना में जो है अपडेट देखने को मिली है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग रेडमी नोट 5 के यूजर्स है तो बूट लोडर अनलॉक कर ले, उसके बाद से आप लोग चाइना रोम में फ्लैश कर सकते हैं। और दोस्तों और भी जो कस्टम रोम है एम आई वाई 10 बेस्ड है या फिर और भी एओएसपी रोम है जिसमें दोस्तों हम लोग अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाती है, तो अगर आप लोग फीचर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे कस्टम रोम वाली जो प्लेलिस्ट है आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। उसमें दोस्तों काफी सारे फीचर्स के बारे में मैंने बताया है जो हम लोग को सभी डिवाइस में दोस्तों काम करेगी, रेडमी नोट 5 और रेडमी नोट 5 प्रो या फिर शाओमी के बहुत सारे डिवाइसेस है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वाले अपडेट में क्या चेंज लोग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अलग अलग डिवाइस में हम लोग अलग अलग अपडेट देखने को मिली है। तो सबसे पहले दोस्तों रेडमी नोट 5 प्रो में जो हम लोग को जब हम लोग म्यूजिक को प्ले करते थे, जब हम लोग गाना सुनते थे तो 2 या 3 मिनट के बाद से जो हम लोग का साउंड भी जो है कम हो जाती थी, तो उसे दोस्तों है जो फिक्स कर दिया गया इस अपडेट में। इसके अलावा दोस्तों बग फिक्सेस वाली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो उसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा।
और दोस्तों आप जैसे आपके स्क्रीन पर ये वीडियो, ये जो थंबनेल फ्लैश हो रही है दोस्तों, आप ये वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या बग फिक्सेस की गई है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे बग फिक्सेस किए गए हैं। दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कि काफी सारे डिवाइसेस के लिए दोस्तों बग फिक्सेस की गई है। रेडमी नोट 6 प्रो में कैमरा की इशू थी तो उसे फिक्स किया गया है। वोल्टी वाईफाई जो है काम नहीं कर रहा था रेडमी 8 प्रो में तो उसे फिक्स किया गया है। रेडमी नोट 3 में दोस्तों एमआई क्लाउड जो है वो स्टॉप हो जा रही थी उसे फिक्स किया गया है। व्हाट्सएप जो रेडमी 6 प्रो में ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था तो उसे फिक्स किया गया है। और दोस्तों हम लोग को जो है नोटिफिकेशन वाले एरिया में दो हॉटस्पॉट्स की आइकॉन जो शो कर रही थी सभी डिवाइसेस के लिए स्टेटस बारे में तो उसे फिक्स किया गया है। और जो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था रेडमी नोट 5 प्रो में जो वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जा रही थी जब हम लोग म्यूजिक को प्ले करते थे तो वो दोस्तों फिक्स कर दिया गया है। और दोस्तों मी मिक्स 3 में हम लोग को जो है NFC जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी तो उसे फिक्स कर दिया गया। दोस्तों काफी सारे इसमें बग फिक्सेस किए गए हैं। आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन मत करें कि रेडमी नोट 5 में कब अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों शॉमी के जो डेवलपर है रेडमी नोट 5 वाले वो सब लंबी छुट्टी पे गए हुए हैं और उन लोगों को वापस काम करने का दिल नहीं कर रहा। तो आप लोग चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, रोम को डेवलप कर सकते हैं, तो ये आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप लोग को करना है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेडमी नोट 5 की रोम को डेवलप करने के लिए, बट आई एम जोकिंग, आप लोग सीरियस मत होना। तो बस ये कुछ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स वगैरह किए गए, ज्यादा चेंज हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। जो भी चेंज दोस्तों है मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और जो छोटे मोटे बग्स दोस्तों ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग वीडियो बन गई है तो प्लीज आप लोग मेरी उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कुछ ज्यादा कुछ अपडेट देखने को मिली नहीं हम लोग इस वाले अपडेट में। अगर कुछ मुझे अपडेट मिलती है तो मैं अलग से डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।